खबर जयपुर से है, जहां इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान के बैनर तले 67 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कल इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति का प्रतिनिधिमंडल प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में सीएम अशोक गहलोत से मिला, जिसमें 10 से 12 साल के बाद टाइम बॉन्ड इंटर डिस्कॉम तबादला नीति पर बात की गई। मुलाकात के बाद सीएम गहलोत ने बिजली कर्मचारियों को इंटर डिस्कॉम तबादला करने का आश्वासन दिया। हालांकि कर्मचारियों को सीएम के मौखिक आश्वासन के बाद लिखित आश्वासन का इंतजार है। मुलाकात के बाद आज 67वें दिन बिजली कर्मचारी धरना समाप्त कर सकते हैं। वहीं बिजली कर्मचारियों ने सीएम तक बात पहुंचाने के लिए विधायक का आभार जताया है। मामले में विधायक रामलाल मीणा ने कहा कि सीएम गहलोत ने आश्वासन दे दिया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही समाधान किया जाएगा। चलिए इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुनील यादव न्यूज रूम से। सुनील, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी खबर को लेकर? मुख्यमंत्री का आश्वासन मिल चुका है अब डिस्कॉम कर्मचारियों को, अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि आज धरना खत्म किया जा सकता है। जी बिल्कुल, राजधानी जयपुर में जो इंटर डिस्कॉम तबादले की मांग को लेकर पिछले 67 दिन से जो बिजली कर्मचारी वो विधायकों के आवास उनके बाहर धरने पर बैठे हैं, उनकी जो मांग है ये कि इंटर डिस्कॉम तबादला किया जाए। ये तबादले की मांग इसलिए उठ रही है कि सन 2000 में जो राजस्थान बिजली बोर्ड थे उसके 3 टुकड़े किए गए थे, जिसमें जयपुर डिस्कॉम, अजमेर डिस्कॉम और जोधपुर डिस्कॉम। ऐसे में जो ये कर्मचारी है पूरे राजस्थान में कहीं भी अपना ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, लेकिन अभी जो विभागीय जो कार्यप्रणाली है उसके अनुसार जो जयपुर डिस्कॉम का कर्मचारी वो सिर्फ जयपुर डिस्कॉम में ही अपना ड्यूटी कर सकता है, अपनी जो सेवा दे सकता है। लेकिन जो कर्मचारियों की मांग है कि कोई जोधपुर का कर्मचारी अगर जयपुर डिस्कॉम में लगा है तो वो जोधपुर अपने गृह जिले में जाना चाहता है या फिर जो अपने संभाग में जाना चाहता है, इसको लेकर तमाम ये विरोधाभास चल रहा है। ऐसे में जो कर्मचारी लगातार इसी की मांग कर रहे हैं कि जब तीनों जो डिस्कॉम है उसमें एक समान जो वेतनमान है, एक समान जो सेवा है, तो ऐसे में जो इनकी जो कार्य है ये कहीं भी कर सकते हैं और इनका ट्रांसफ़र किया जाए, ताकि जो परिवार से दूर है या कई जो इनकी समस्याएं हैं जो पारिवारिक हो या फिर जो भी तरीके की समस्याएं हैं उनको लेकर ये उनका निर्वाह कर सके। इसी को लेकर लगातार 67 दिन से धरना चल रहा है। इसके बाद जो प्रतापगढ़ विधायक है रामलाल मीणा, उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से तमाम प्रतिनिधिमंडल मिला और अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के यहाँ से आश्वासन मिला है कि तबादले के लिए जो अधिकारी है, जो विभाग है, उससे ये पूरे तहकीकात करेगा, जानकारी लेगा कि जो कानूनन ये सही है कि नहीं है, इसके बाद इस पर जरूर फैसला लिया जाएगा और जो तमाम जो बिजली कर्मचारी हैं उनके हित को ध्यान में रखते हुए ये नियम जल्दी लागू किया जाएगा।